हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा में, अपने हरियाणा में लोगों को महिंद्रा स्कॉर्पियो क्यों पसंद है। कुछ खास चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, मैं अपने चैनल पर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने जो हरियाणा में लगभग हर घरों में स्कॉर्पियो है, वो क्यों है? ऐसा बोलते हैं कि जैसे हर घर में मर्द ज़रूरी होता है, ऐसी हर घर में स्कॉर्पियो ज़रूरी होता है। कुछ इस तरह की अपने यहाँ की मैंटेलिटी है गुड़गांव हरियाणा के अंदर। तो लोगों को काफ़ी पसंद है स्कॉर्पियो। कुछ अपनी स्कॉर्पियो की जो खास चीज़ें हैं, वो मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। आगे बात करूँ इसकी पावर की, तो आप देख सकते हो इस वीडियो के थ्रू ये जो अपनी स्कॉर्पियो है S10, सीधे न्यू हॉलैंड को टक्कर देगी, जो कि इसका और इसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर भी इसको कांटे की टक्कर देती है अपनी स्कॉर्पियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो इस क्लिप में, जो अपनी दोनों स्कॉर्पियो वो न्यू हॉलैंड को टक्कर दे रही हैं सीधा। जिनको कह रही, न्यू हॉलैंड को कह रहे कि बेटा आ जा तू लाइन पे, तुझे देख लेंगे। ट्रैक्टर से हिलाई भी नहीं जा रही स्कॉर्पियो। ट्रैक्टर खुद देखो, आप टायर देख सकते हो, ट्रैक्टर का फंस चुका है बिल, और पूरी जान लगा रहा है ट्रैक्टर, तब भी अपनी जो स्कॉर्पियो है हिल भी नहीं रही है जगह से। तो आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपनी स्कॉर्पियो में जो कितनी ताकत होती है। अब देख सकते हो किस वजह से स्कॉर्पियो को अपने हरियाणा में इतना प्यार दिया जाता है। ये एक रीज़न है, सिर्फ ये रीज़न है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी है इस कार में, इंडियन रोड्स पे तो ये गाड़ी आग लगा देती है बिल्कुल। ऐसा नहीं है ये सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए है, अपनी रेस वगैरह के लिए काम है। बुलेट को भी आप देख सकते हो कितना पीछे छोड़ दिया अपनी जो स्कॉर्पियो नई S11 ने। देख सकते हो रेसिंग में भी कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी खूब भागती है। जो स्कॉर्पियो है महिंद्रा, तीनों हमने ट्राई करके देखी थी, पुरानी वाली भी, नई वाली भी, और जो रिसेंट में आई है वो भी, तीनों ही काफ़ी अच्छी भागती हैं। दोस्तों, अब हमने अपनी जो दोनों स्कॉर्पियो है उनके बीच में टोचन किया था। आप देख सकते हो दोनों ही स्कॉर्पियो एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही है। ऐसा नहीं है कंपनी ने स्कॉर्पियो के इंजन में फ़र्क किया, जो पुरानी वाली है नई वाली में कम ताकत दी, दोनों में ही बराबर की टक्कर का काम था बिल्कुल। कोई कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं थी गाड़ियों में, दोनों में अपनी अपनी जगह बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था दोनों गाड़ियों ने। देख सकते हो आप पूरी जान लगा रही है गाड़ी, वो भी पुरानी वाली भी और जो नई वाली है ये भी। हमने जो अपनी जो दोनों स्कॉर्पियो S11 और S10 के बीच में रेस लगवाई थी, तो दोनों ने ही काफ़ी अच्छा मुकाबला दिखाया था। कई बार अपनी जो S10 है ये जीती थी, और कई बार है जो अपनी S11 है ये जीती थी। आप देख सकते हो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है गाड़ियों में, दोनों ही काफ़ी अच्छा इंजन परफॉर्मेंस दिखाया था। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्कॉर्पियो लवर्स को तो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ये स्कॉर्पियो से प्यार इतना है। तो मैं बात करूँ इन तीनों की, तो तीनों ही, ये भी पुरानी वाली भी, जो बीच में 2015 और 2019, तीनों ही गाड़ी अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। कोई किसी लेवल पर है, कोई किसी लेवल पर है, कोई किसी लेवल पर है, किसी की हम बुराई नहीं कर सकते। तो तीनों ही गाड़ी अपनी अपनी जगह काफ़ी अच्छी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।